नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संडे को करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। पीड़िता को घटना के वक्त कोई मदद या फर्स्ट एड नहीं मिल सका क्योंकि मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर या पुलिस मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी आहूजा के पिता लोकेश कुमार चोपड़ा ने बताया कि उनका परिवार 40 मिनट के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकल पाया और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी बेटी की मौत हो गई। उन्होंने कहा, रेलवे अधिकारियों ने हमसे कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है। लड़की के पिता ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम वंदे भारत जैसी हाई क्वालिटी ट्रेन बनाने की तो बात कर रहे हैं, मगर बुनियादी ढांचे के निर्माण में ही असमर्थ है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बावजूद कोई सुविधा नहीं है। चोपड़ा ने यह भी कहा कि स्थानीय मजदूरों ने आरोप लगाया कि इसी तरह की घटना पहले भी हुई है। उन लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर हमारे सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? उचित जांच क्यों नहीं होती? चारों ओर खुले तार क्यों पड़े हैं? लोकेश चोपड़ा ने कहा कि केवल तभी एक्शन क्यों लिया जाता है जब मामला मीडिया में दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। चोपड़ा ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि मैं कार पार्क कर रहा था और अपनी बेटी से बैग और बच्चों को लेकर ट्रेन की ओर जाने को कहा। वहां कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। वो एक तरफ आगे बढ़ी और करंट की चपेट में आ गई। वहां 440 वोल्ट का हाई टेंशन तार था और मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं उत्तर रेलवे ने सोमवार को कहा कि करंट लगने से मौत के मामले की जांच के लिए उसने एक समिति बनाई है। रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, हम इस घटना पर जीआरपी से रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद रेलवे आगे की कार्रवाई करेगी। इस घटना की जांच और उसके कारण का पता लगाने के लिए एक समिति भी बना दी गई है। जरूरी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।